अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, और आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और कैसे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग उधर से, मैं भी ठीक हूँ और कैसे से हूँ। चलिए तो चलते हैं कुछ काम करने के लिए बाज़ार। बाज़ार जाना है, कुछ सामान वगैरह लाना है क्योंकि शादी आ रही है घर में, इसलिए बात का सामान लेकर आना है। तो चची और मैं बाज़ार जा रहे हैं, वो मैं जस्ट अभी फ्री हुई हूँ। चलिए तो थोड़ा सा टचअप वगैरह करती हूँ, डायरेक्ट मिलती हूँ आप लोगों से बाज़ार में। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती है। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए तो चलते हैं बाज़ार, वहीं पहुँच कर आप लोगों से मिलते हैं और फिर देखना कि क्या क्या सामान लेकर आए हैं। सब स्टैंडर्ड सिस्टम हो गया और क्या। चलिए तो हम जल्दी जल्दी पहुंच गए हैं बाज़ार, और बाज़ार में बहुत ही ज़्यादा रश था। और ये देख के ये मिल रहे हैं बच्चों के कम्बल, इनसे लग रहा है कि सर्दी आ चुकी है। और ये दुपट्टे मिल रहे थे बहुत ही प्यारे प्यारे। फिर हम थोड़ा और आगे गए और फिर हम पहुंच गए हैं कपड़े वाले की शॉप पर, जहाँ से हमें बात के लिए कपड़े लेना थे। और ये वो सूट हैं जो हम देख रहे हैं, भैया दिखा रहे हैं। और वैसे तो मैं पहले भी इसी दुकान पर आती थी, लेकिन क्या है अब मैं यहाँ पे नहीं आती हूँ, मैं अपने यहीं से ले लेती हूँ सूट वगैरह जो भी लेना होते हैं। क्योंकि बाज़ार जाओ तो मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, हमारा बाज़ार बहुत दूर है इसलिए। चलिए तो चची हम दोनों सेलेक्ट कर रहे हैं कौन सा लेना है कौन सा नहीं, और फिर फाइनली हम बताएंगे, फिर मैं बताऊंगी कि कौन सा लिया है कौन सा नहीं। अभी तो आप लोग देख लीजिए वीडियो, फुल वॉच करिए बिना स्किप किए देखना, और किसके लिए और कहाँ बाहर जा रहा है। हमारे देवर की शादी है और बारिश भी गया हुआ था मेरे साथ में। हमने लेडीज़ सूट लिए हैं काफ़ी, और जेंट्स सूट भी लिए हैं, साफ़ी वगैरह भी लिए हैं। तुम तो बिना तलाब में आई। तो क्या हुआ वो तो अपन देख लेंगे। चलो तो फिर जान दे ये अंदर का देख। लगे रहते हैं ना अच्छे कॉपर टाइप के, कैसे चाहिए जी? पर आप जैसे कहाँ है? चलिए तो हम बर्तन वाले की शॉप पर पहुंच गए हैं, और काफ़ी सारी भीड़ भी थी वहां पर। फिर हमने बर्तन वगैरह देखी जो हमें बाद में देना है, तो हमें पसंद नहीं आए जैसे हमें चाहिए थे जिस हिसाब के। फिर हम दूसरी शॉप पर गए वहां दे के, फिर हमने चलिए तो चलते हैं वापस दूसरी शॉप पर। और देखिए बाज़ार में दूसरा भी त्यौहार है तो इसलिए बहुत ज़्यादा ही रश है वहाँ पर। फिर हम लौटते में गए सुनार की दुकान पे, यहाँ से हमें चांदी की कुछ चीज़ लेना थी जैसे कि बिछिए वगैरह। और सुनार की दुकान पर भी बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी, और मैं अच्छे से वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी। तो जैसी शूट हुई मैंने आप लोग शायद में शेयर करी है, और फिर हमने थोड़ा बहुत सामान वहाँ से भी लिया है जो हमें लेना था। अच्छा मैं आपको बैक कैमरे से अच्छे से और दिखा देती हूँ, हमने बिछिए लिए हैं वो सारे बिछिए ये हैं, इतने सारे तो केयर नहीं लिए हैं, वो तो डिज़ाइन हम पसंद कर रहे थे चची हम दोनों, तो मैंने जो पसंद किया है वही चची को भी पसंद आ गया था, फिर हमने वही लिए हैं। ये सिलेक्ट किए हैं हमने छोटे छोटे से, क्योंकि
ऐसे ही पसंद हैं जिसके लिए हम ले रहे हैं। और मुझे ये पायल बहुत ज़्यादा पसंद आई हुई थी। ये नया डिज़ाइन है, हालांकि ये चल चुका है डिज़ाइन पहले भी, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा। ये देखो हम बैग भर के सामान लेकर आए हुए हैं और सुनार की दुकान पे काफ़ी भीड़ थी, तो इसलिए हम अच्छे से कंफर्टेबल नहीं थे सामान लेने के लिए और वीडियो शूट करने के लिए। मुझे एक और चीज़ पसंद आई, ये चीज़, ये लेडीज़ है और ये बड़े भी थे, मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद आ रहे थे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं फ्री टाइम में आऊँगी, चलिए तो जो हमें लेना था हमने ले लिया है, चलिए तो चलते हैं हम घर पर वापस। और देखिए बैग हमारा कितना भरा हुआ है जो सामान हम लेकर आए हुए हैं। चलिए तो अब हम दिखाते हैं क्या क्या लेकर आए हैं। ये हमारी दादी सास है, इन्हें मंगाया है सामान भात में देने के लिए अपनी बेटी को, क्योंकि पप्पो के लड़के की शादी है वहाँ पे भात जाएगा, इसलिए ये सामान आया हुआ है। चलिए तो देख के हम लेडीज़ सूट भी लेकर आए हैं काफ़ी, और जेंट्स सूट भी लेकर आए हैं। पहले सारा सामान निकाल के रख लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देखिए ये कॉटन है, इनका जो फैब्रिक है वो अच्छे से सूट इसमें से बन सकते हैं, और ये कॉटन फैब्रिक है जिसको पहनने में दिक्कत नहीं आएगी। और बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह पूरा सामान कंप्लीट हो गया, ओनली जो स्टील के बर्तन थे वो रह गए हैं, वो हम बाद में लेने जाएंगे क्योंकि बाज़ार में काफ़ी भीड़ थी। ये है लेडीज सूट जो दादी ने मंगवाए हुए थे, तो हम वो लेकर आए हैं। दादी देख रही है ठीक है कि नहीं, अभी इनमें हमें पैसे भी लगाना है, फिर हम पैसे लगा कर बैग में रख देंगे जिससे बाद में दिक्कत ना आए। और ये जेंट्स सूट हैं जो देने के लिए हैं। चलिए तो सारा सामान अच्छे से कंप्लीट हो गया है और सब लोग देख रहे हैं बैठ के, मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। और ये पप्पू के लिए, पापा के लिए साफ़ी है, और ये पप्पू के लिए हाथ के अच्छे से सेट बना हुआ मिल रहा था, तो हम वो लेके आए हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और ये साफ़ी वगैरह मंगाई है दादी ने जो वहाँ पर उड़ाएंगी, जिसको भी उड़ाएं। फिर हम सब लोग बैठ गए हैं, मैं तो क्या वीडियो ही शूट कर रही हूँ, लेकिन चच्ची और हमारी जेठानी हम बैठे हुए हैं, तो वो पैसे वगैरह हम लगा रहे हैं सूट में जिससे वहाँ पर ओनली हम निकाल के दे दें। चलिए तो ये सारी वीडियो हो गई है, और जो काम मैं कर रही थी वो अधूरा छोड़ के गई हुई थी। ये मेरे सारे रूम की क्लीनिंग हो गई है, मैं क्लीनिंग कर रही थी, उसको निपटाने के बाद मैं बाज़ार गई। और देखिए क्लीनिंग करने से घर में कितनी अच्छी रौनक आ गई है। और ये मैंने ऑनलाइन मंगाई हुई है घड़ी, जो बहुत ही प्यारी लग रही है वाइट दीवार पर, और इसमें पूरी में आतल कुर्सी लिखी हुई है। चलिए तो मेरी वीडियो जिसको पसंद आई हो तो वो लाइक से सब्सक्राइब कर देना, और जो मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर से। चलिए तो और देखते हैं आज हमारा बाज़ार गया हुआ था, क्या लेकर आएगा और क्या नहीं, दिखाते हैं आपको। क्या ले के आए हो? ड्रेस हमने स्कूल की। अच्छा जी, मेरा मेरे बेटू की ड्रेस ख़राब हो गई है इसलिए वो दूसरा लाया। हाँ इसका कपड़ा अच्छा है। लगा के देखिए यहाँ से हाँ सही है, हाल छोटे भी तो आते हैं तेरे ऊपर सरक जाते हैं। अब सेट दे गई हाँ, वो तो बाल में रख दूंगी। कटा दो स्कूल जाओ तो पहन के जाओ। अच्छा किधर शॉर्ट लाओ है, शॉर्ट स्लिप की कितने डाल। हाँ सेट भी सही लग रही है सही, एक फुल स्लिप की हो गई एक हाफ स्लिप की हो गई है ना। अब इस पर मोनो लगेगा बेटा, बुई वाला इस पर लगा दूँ नहीं पे मोनो। सही है
इस पे लगाना पड़ेगा, नीचे टांग देना है जब तक खाना बना लें। जाएगा एक और क्लिप, जाएंगे दोनों। चलिए तो खाना बना लेते हैं पहले। ये बन रहे हैं प्याज का पालरा और आलू। आलू ने छोड़ दिया है पानी, तो ये आटा लगा दिया है मैंने, जल्दी से रोटियां बना लेती हूँ स्लो फ्लेम पे। ये देखो, थोड़ा सा सीरियल देख लेती हूँ फिर आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर से। तो मैं बाज़ार से आ गई हूँ जस्ट अभी, बारिश हो रहा है, बारिश भी हो रहा है, मैं टीवी देख रही थी और शाम का टाइम हो गया है, बहुत थक गई, परेशान हो गई। मैं आपसे थोड़ी देर से मिलती हूँ।